नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। आज आपको एक ऐसा सच दिखाते हैं पश्चिम बंगाल का, जो पश्चिम बंगाल में मैं देख रहा हूं कि आजकल जो सुबह से नतीजे आ रहे हैं उसमें पूरी तरीके से टीएमसी की सरकार बनती नजर आ रही, यानी कि ममता दीदी की सरकार बनते नजर आ रही थी। बीजेपी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी वो पूरी तरीके से खोखले नजर आ रहे हैं। बीजेपी की मैं बात करूं तो वो अभी 85 सीट पर रुकी हुई है, और तृणमूल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, ममता दीदी की पार्टी की मैं बात करूं तो 204 सीटों पर है, और अन्य पार्टियों की मैं बात करूं तो उसमें एक है, अन्य दो पर रुकी हुई है। तो मैं ये बात कर रहा हूं, बहुत जो सच आपको दिखा रहा हूं, ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि पश्चिम बंगाल में मेरी सरकार आएगी, लेकिन ये पूरी तरीके से पूरा वादा जो उनका था वो खोखला नजर आ रहा है। सुबह से सारे लोगों की निगाहें, हालांकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है उसके भी आज ही रुझान आने हैं, उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, बल्कि ज्यादातर ध्यान लोगों का पश्चिम बंगाल के चुनाव पर अटका हुआ है। पूरे देश की जो नजरें हैं वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं, और सुबह से सारे लोग अपने घर में टीवी खोलकर बैठे हुए हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से साफ हो गया है कि वहां पर ममता दीदी की सरकार बनती नजर आ रही, 2/3 बहुमत से वो आगे जा रही है बीजेपी से। बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी जैसे पिछली बार 3 सीट थी, इस बार बीजेपी को काफी बढ़त मिली है। उस बढ़त के साथ उनको खुशी भी है कि पिछली बार जो हमारे कार्यकर्ता थे उनसे ज्यादा इस बार हमने मेहनत करी है, और हम अभी 85 सीटों पर रुके हुए हैं, और अभी बाकी नतीजे आने हैं। अभी बीजेपी कह रही है कि हार नहीं मैंने मानी है, लेकिन फिर भी मेरी तरीके से मैं आपको अगर बताऊं तो पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी, पूरी तरीके से हार नजर आ रही है। दूसरी बात एक और मैं करूं, अगर ये कोरोना काल की जो अभी लास्ट चरण के जो चुनाव होने थे, पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, अन्य प्रदेशों की अगर हालत में देखूं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतने को पड़ा है। जो आजकल जो नतीजे हैं पश्चिम बंगाल के वह शाम तक सारे कंफर्म होते नजर आ रहे हैं। मुझे अभी भी लग रहा है यही है कि अब बीजेपी कहीं पे भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है उसको नहीं छू पाएगी। ममता दीदी की जो मजाक बनाई जा रही थी पश्चिम बंगाल में कि इस बार अब दीदी नहीं आनी, ये टक्कर।